मुंगेली जिले में खुलेआम जुआ चलाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद आईजी रतनलाल डांगी ने पथरिया थाना प्रभारी आलोक सुबोध को निलंबित कर दिया है। बीजापुर जिले के उसूर इलाके में तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगल में सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग पर निकली थी। इसी बीच घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर अचानक हमला बोल दिया। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई गोलाबारी में असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की शहीद हो गए। कोरिया जिले के पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर प्रताड़ित करने के मामले में पत्रकार के सहयोगी महिला के घर रात में पुलिस ने तांडव मचाया। महिला व उसके 15 वर्षीय बच्चे को बंधक बनाकर पटना थाने ले जाकर प्रताड़ित कर सादे कागज पर हस्ताक्षर कर वीडियो बनाया गया। गोबरा नवापारा राजीव महानदी पुल पर थाना गोबरा नवापारा पुलिस की टीम ने बस को रोककर सवारियों के बैग व अन्य सामानों की चेक करने के दौरान सुरेश कस्बे नामक एक व्यक्ति के बैग से 1,10,000 रुपए कीमत के 18 किलो गांजा जब्त किया गया। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में भैरव बाबा मंदिर के पास एक वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मृतिका का नाम जामबाई 73 वर्ष बताया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बालोद जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल पर ड्यूटी से लौट रहे 3 नगर सैनिकों की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। शनिवार को कोंडा गांव में मर्दापाल की ओर जा रहे स्कूटी सवार 2 युवकों की ग्राम संबलपुर के पास बोरवेल वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। राजनांदगांव में ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ सरेरा मारपीट हो गई। घटना के वक्त वह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला था। इसी बीच बाइक सवार 3 बदमाश उनके पास पहुंचे और उनसे मारपीट कर फरार हो गए। छावनी पुलिस थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चों का गिरोह बनाकर उन्हें प्रशिक्षण देकर चोरी करवाने वाली महिला सरगना एन एमिला कमल कुमार उदय किरण कुलदीप सिंह एवं 3 अपचारी बालक को गिरफ्तार कर घर में छुपा कर रखा माल जब्त कर लिया गया है। सांसद विजय बघेल ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान दिलाने के नाम पर 40 गरीबों से लाखों रुपए की अवैध वसूली करने वाली कांग्रेस पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की बजाय संरक्षण देने का काम राज्य सरकार कर रही है। गरियाबंद जिले में एक शराबी पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। अपनी पत्नी की वो इसलिए मार दिया क्योंकि उसे उधार के पैसे चुकाने थे। इसके लिए वह जमीन और घर बेचना चाहता था, मगर उसकी पत्नी ने यह सब बेचने तैयार नहीं थी। फिंगेश्वर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जसपुर जिले के पत्थल गांव से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां 11 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों में चचेरा भाई समेत 3 आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार हो गए हैं। बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने जरहाभाटा मिनी बस्ती निवासी युवक को मोटरसाइकिल से 3 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा तथा रिंग नंबर 2 के पास से नशीली दवा की बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश करते आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से 10,000 रुपए की नशीली दवा जब्त की है। इंद्रावती नदी के पास से अपहृत इंजीनियर की पत्नी सोनाली पवार ने अपने पति को सकुशल रिहा करने की अपील माओवादियों से की है। सोनाली पवार ने कहा कि मेरे पति रोजी रोटी के लिए काम करने बस्तर आए हुए हैं। उनके काम करने वाली जगह से कुछ गांव वाले उन्हें कहीं लेकर चले गए हैं। हितग्राहियों और कंपनियों के लाखों रुपए लेकर लंबे समय से फरार चल रहे फाइनेंस कंपनी के कैशियर दिनेश पुरी को कोरिया जिले की पुलिस ने
350,000 रुपए का गबन करने के आरोप में पेंड्रा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। नारायणपुर पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सर्चिंग के दौरान 1,00,000 का इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला ओरछा थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर जिले की कोनी पुलिस ने जुए के 2 अड्डों पर रेड कार्रवाई करते हुए 52 पत्ती ताश से रुपए पैसों की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे 15 जुआरियों से कुल जुमला रकम 8,340 रुपए जब्त कर आरोपी गणों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जांजगीर के ग्राम नगरमुड़ा में निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान की छत की ढलाई के दौरान भरभरा कर गिर जाने से मलबे में दबकर कथावाचक योगेश महाराज की मौत हो गई। छत के मलबे में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर दब गए। रायगढ़ जिले के सरिया थाना प्रभारी द्वारा एक जुए की फड़ में रेड डालने के बाद 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर जुआरियों से नगद 45,000 रुपए, 5 मोबाइल एवं 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। पीएचई विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 2,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाला रिटायर्ड एससीसीएल कर्मचारी को कोरबा जिले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने प्रार्थी से रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया था। बस्तर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में जिला परिवहन अधिकारी की 2 बदमाशों ने मिलकर बेदम पिटाई की है। आरटीओ को उन्हीं के घर में घुसकर 2 नकाबपोश बदमाशों ने पीटा। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने चाकू दिखाकर कपड़े से हाथ पैर बांध दिए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने आरटीओ अधिकारी के पूर्व ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भट्टी थाना पुलिस ने शनिवार को 26 वर्षीय महिला प्रोफेसर की शिकायत पर महावीर नगर रायपुर निवासी 50 वर्षीय मुकेश भाटिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भाई से मिलाने के बहाने बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशे का सामान मिलाकर उसे बेहोश कर दिया था, फिर अश्लील वीडियो बनाकर 10,00,000 रुपए की मांग कर रहा था। बेमेतरा जिला नांदघाट नगर के मुंगेली मार्ग पर स्थित एक वेल्डिंग दुकान के सामने रखे लोहे की 2 खिड़की और 20 नग लोहे की जाली चोरी करने के मामले में नांदघाट पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर माल को बरामद कर लिया है। बालोद जिले के ग्राम चिरचार में नगद सहित 42,500 रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी करने वाले एक नाबालिग को अर्जुंदा पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को किशोर न्यायालय बालोद के समक्ष पेश किया। चलती कार में चल रहे हुक्का बार के मामले में बेमेतरा पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने उमरिया चौक बेतर में चेक पोस्ट पर जांच के दौरान सफेद रंग की एक कार की जांच की। जांच में पता चला कि कार में हुक्का बार चल रहा है। पुलिस ने 5 हुक्का पॉट समेत 20 फ्लेवर व एक 300 ग्राम का फ्लेवर बॉक्स को भी जब्त किया है और साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया है। कांकेर जिले के नरहापुर ब्लॉक के ग्राम पेंडरवन सालीपारा में पत्नी की तलाश में पड़ोसी घर पहुंचे पति की पड़ोसियों ने जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीण को पड़ोसियों ने इतना पीटा कि उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। जसपुर जिले के बागबेरा थाना क्षेत्र के ग्राम छातासरी में एक गांजा तस्कर घर में बड़ी मात्रा में गांजा जमा कर रखा हुआ था और बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। इसकी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी तस्कर राहुल भट्ट के घर से छापा मारकर 20 किलो गांजे के साथ उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। रायपुर देवभोग यात्री बस से गांजा की तस्करी करने वाले को नवापुर पुलिस ने अंतर जिला चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान धर दबोचा। उसके पास से 18 किलो गांजा जब्त किया गया है। आरोपी ने बताया कि वह गांजा गरियाबंद जिले के देवभोग से लाकर महाराष्ट्र ले जा रहा था।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में पदस्थ सहायक शिक्षक ने शासन से इच्छामृत्यु मांगी है। चार साल पहले वह पदोन्नति से वंचित होने के बाद अपने हक के लिए लगातार प्रयास करने के बाद भी न्याय नहीं मिलने से क्षुब्ध होकर सहायक शिक्षक ने राज्यपाल को आवेदन देकर इच्छा मृत्यु की मांग रखी है। बिलासपुर के सोठी सर्किल के बिटकुला बीट में तेंदुओं का शिकार करने वाले 5 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। कार्रवाई से बचने के लिए एक आरोपी ने एक नाखून व 2 दांत को घर के कुएं में फेंक दिया था, जिसे जब्त कर शिकार में इस्तेमाल किए गए धारदार टंगिया, 10 तीर, 1 धनुष, 5 बंडल जीआई तार, 1 कुदाल भी बरामद किया गया है।